हेलो फ्रेंड्स, मीनाज वेज किचन में आज आपका स्वागत है। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल दो चाइनीज डिश बनाएंगे। सबसे पहले चिली पनीर और साथ में हक्का नूडल्स बनाएंगे। आइए अब इसे स्टार्ट करते हैं। पनीर चिली बनाने के लिए 300 ग्राम पनीर को क्यूब्स में कट करके लेंगे। आप इन्हें अपने मन पसंद और किसी शेप में भी कट कर सकते हैं। अब इसे फ्राई करने के लिए कुछ मसाले डालेंगे। थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर डालेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस पे थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे अच्छे से कोट हो जाए और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। सारे मसाले अच्छे से लगा के इसे 10 मिनट रेस्ट करने रखेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद जो पनीर के क्यूब्स हमने तैयार किए थे उसे एक एक करके इसमें डाल के फ्राई करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच ही फ्राई करना है। ये हमारे फ्राई होके तैयार हो गए हैं। पनीर के क्यूब हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इस पर हमने जो कोट किया था कॉर्नफ्लोर का पाउडर, उसके कारण ये बहुत जल्दी टूटेंगे नहीं। पनीर चिली के लिए एक सॉस बनाएंगे। उसके लिए एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल को गर्म करेंगे। उसमें 3 से 4 टेबल स्पून कटे हुए लहसुन डालेंगे, 1/4 कप कटे हुए प्याज डालेंगे, छोटे टुकड़ों में कटी हुई अदरक डालेंगे 2 टेबल स्पून। अब इनका कलर चेंज हो गया है, ये थोड़े से ब्राउन हो गए हैं। अब इनमें हम बाकी की सारी सॉसेस ऐड करेंगे। मैं 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 टी स्पून विनेगर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। कॉर्नफ्लोर की एक फ्लरी बनाएंगे। उसके लिए 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर, 2 टेबल स्पून पानी, अच्छे से मिक्स करके इसकी एक फ्लरी डालेंगे। पानी और डालेंगे। हाफ टी स्पून शुगर ऐड करेंगे, कटी हुई शिमला मिर्च, 1/4 कप कटे हुए प्याज डालेंगे। और जो पनीर के क्यूब्स हमने फ्राई करके रखे थे वो डालेंगे। साथ में थोड़ी कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। अब हमारा चिली पनीर तैयार है। अब इसे सर्व करेंगे। हमारा चिली पनीर तैयार है। हक्का नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले नूडल्स को बॉईल करने के लिए पानी को बॉईल करेंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, साथ में 1 टीस्पून नमक डालेंगे। अब इसमें नूडल्स डालेंगे। हमारे नूडल्स अच्छे बनाने के लिए इसे हम बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे। बस जब ये अच्छे से खुल जाएंगे तो हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए रखेंगे। फ्लेम ऑफ करके इसे कवर करके 2 मिनट के लिए रखें। 2 मिनट कवर करके नूडल्स रखे थे वो अब तैयार है। नूडल्स का कुकिंग प्रोसीजर रोकने के लिए इसे गर्म पानी को अलग करेंगे, इसे छलनी में निकाल लेंगे। अब इसमें ठंडा पानी डालेंगे। हक्का नूडल्स बनाने के लिए वॉक को गर्म करेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म करके चारों तरफ फैला लेंगे, पूरे वॉक में अच्छे से लगा लें। अब इसमें लंबे कटे हुए प्याज, छोटे टुकड़ों में कटे हुए लहसुन 3 से 4 टेबल स्पून,
कटी हुई शिमला मिर्च 1/4 कप, पतले लंबे टुकड़ों में कटी हुई पत्ता गोभी डालेंगे, कैबेज डालेंगे, साथ में 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। ये सारा प्रोसीजर हम हाई फ्लेम पे ही करेंगे। हाई फ्लेम पे करने से इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आता है जिससे चाइनीज का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इसमें 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस और 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे, नमक डालेंगे। सोया सॉस में सॉल्ट होता है इसलिए कम डालेंगे। आप भी इसमें काली मिर्च डालेंगे। और जो नूडल्स बॉईल करके रखे थे आप उसे डालेंगे। हक्का नूडल्स बनके तैयार है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे। हक्का नूडल्स को अब एक बाउल में सर्व करेंगे।